हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मेरे पास एक रियल मी का सेट आया हुआ है, जैसा कि गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, ये मेरे पास एक शॉपकीपर का फ़ोन है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है वो हैंग हो लोगों की दिक्कत आ रही है गाइस। सेट कम्प्लीट ऑन नहीं हो पा रहा है। जैसे ही सेट को हम ऑन करते तो सेट जो है ना गाइस रियल मी लिखा के स्टॉप हो जाता, मतलब रुक जाता है गाइस। ठीक है, फिलहाल मैंने इनकी बैटरी को निकाल के एक बार लगा दिया है। लगाने के बाद गाइस यहाँ पे इनकी पावर की को प्रेस करते हो और इनको सेट को एक बार हम यहाँ पे ऑन करके एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखो, मैंने सेट को ऑन किया और यहाँ पे जो सेट है वो यहाँ पे रियलमी और नीचे पावर वाई एंड्रॉयड लिखा हुआ आ चुका है गाइस। ठीक है, तो फ्रेंड शॉपकीपर का कहना है कि ये जो चीज़ें हैं वो यहीं पे आके रुक रहा है, यहीं पे स्टॉक हो रहा है। और गाइज आपको भी मालूम होगा कि जब इस तरीके की कंडीशन आती है तो इसके अंदर क्या करना चाहिए गाइज। ठीक है, बट ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा हटके है, थोड़ा प्रॉब्लम अलग है गाइज। वीडियो कंप्लीट दिखेगा, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको गाइज सीखने को इसमें मिलेगा, इस वीडियो के अंदर गाइज। देखो, इस तरीके की जो कंडीशन आती है गाइज उसमें काफ़ी अलग अलग जगह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो सॉफ्टवेयर या फिर 90% कंज्यूम या फिर EMMC डैमेज वगैरह होने के वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, फिलहाल देखो यहाँ पे ये अभी रियलमी पे लिखा के रुका हुआ है। कई बार इसकी जो डिस्प्ले होती है उससे भी ये हैंग हो लोगों की प्रॉब्लम आती है, दूसरी चीज़ सॉफ्टवेयर से भी प्रॉब्लम आती है, तीसरी चीज़ EMMC में 90% कंज्यूम है उससे भी दिक्कत आती है। ठीक है, या फिर EMMC डैमेज है इससे भी प्रॉब्लम आती है, कई बार सर्विस वगैरह करने के बाद भी इनकी प्रॉब्लम चली जाती है। प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम कई भी जगह से या कहीं से भी आ सकता है गाइस। इसके अंदर प्रॉब्लम सेम है, ऑटोमेटिकली जो वो शॉप के कहने के वो कस्टमर का कहना है कि ऑटोमेटिकली ये जो वो हैंग हो लोगों आ गया और सेट ऑन नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली। ऑलरेडी पहले जो इस पर काम वगैरह शायद ऑलरेडी पहले किया हुआ है, जैसे मुझे नहीं मालूम इसी कंडीशन में आया है, तो शायद ये पूरा ओपन है तो ऑलरेडी हो सकता है पहले किसी ने इसको देखा हो या फिर एनी वे कोई दूसरे प्रॉब्लम के लिए देखा हो। बट मेरे पास जो प्रॉब्लम आया वो ये आया और इसमें मैंने डिस्प्ले डाल के दूसरा चेक किया है, प्रॉब्लम बिल्कुल ही सेम है गाइस। ठीक है, तो अभी इसको फ्लैश करेंगे तो फ्लैशिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, फ्लैश करने से भी इनकी दिक्कत जो है वो ठीक हो सकती है गाइस। बट इसको फ्लैश करने से पहले एक प्रॉब्लम जो है वो आती है, जो ये रियलमी 5, 5i, 5s इस तरीके की जो मोबाइल डिवाइस है उसके अंदर एक हैंग लोगों की एक दिक्कत आती है गाइस। ठीक है, वो कहाँ से आती है उसको हम चेक करेंगे। तो मैं आपको बता दूं गाइस, सबसे पहले इस मदरबोर्ड के ऊपर हम इसको पहले यहाँ पे एक बार हम सिंपली ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद इनका मदरबोर्ड का एक बार कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हो और इस साइड में भी यहाँ पे गाइस देख सकते हो। देखो, ऑलरेडी पहले किसी ने इस पे काम वगैरह भी किया हुआ है, हो सकता है इनकी अनलॉकिंग भी पहले की गई हो। ठीक है, फिलहाल इसके अंदर गाइस अभी हम ISP करेंगे। ठीक है, ISP करने के बाद गाइस एक पार्टीशन को इरेज करने के बाद भी इस तरीके की प्रॉब्लम जो वो ठीक हो सकती है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं पहले थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके इसके ऊपर एक बार ISP कर लेते हैं, और ISP करके एक बार हम जो एक ट्रिक होता है गाइज उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, पार्टीशन को इरेज करने के बाद भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है रियलमी 5 के ऊपर। तो पहले हम फटाफट ISP करते हैं और उसके बाद एक बार UFI बॉक्स के ऊपर चलते हैं, उसके बाद देखते हैं इनकी प्रॉब्लम किस तरीके से रिपेयर या ठीक करना है। ठीक है, तो चलो फटाफट जो है वो हम ISP इसके ऊपर कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड, इसके ऊपर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसका जो USB केबल वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है, UFI को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी हम चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद गाइस यहाँ से हम अपना जो UFI बॉक्स होता है उसको सिंपली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लाइट को ऑफ कर दिया है और यहाँ से हमारा जो UFI बॉक्स है इसको सिंपली ऑन होने का यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो सिंपली फ्रेंड, यहाँ पे हमारा UFI बॉक्स ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद गाइज यहाँ पे ओके कर देते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, और उसके बाद सिंपली फ्रेंड यहाँ पे डायरेक्ट EMMC पे आइडेंटिफाई पे यहाँ पे हम इस पे टिक लगाने के बाद आइडेंटिफाई पे क्लिक कर देते हैं गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुका है EMMC। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इनकी सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे शो हो रहा है, और यूज़र पार्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे सारी इनकी जो पार्टीशन है वो यहाँ पे शो हो रही है गाइस। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले गाइस इसका हेल्थ रिपोर्ट को हम चेक करेंगे कि इनका जो हेल्थ रिपोर्ट है वो कैसा है, क्योंकि जब वो 90% वगैरह हेल्थ जो इनकी रिपोर्ट होती है उनके वजह से भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार मैं फिर से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। हेल्थ रिपोर्ट में मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ,
देखो गाइज, इसका जो हेल्थ रिपोर्ट है वो बिल्कुल ओके है, बिल्कुल नॉर्मल है यहाँ पे, जैसा कि गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज इसका हेल्थ रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज़, इसका जो नैन टेस्ट होता है वो भी हम करके एक बार इसके अंदर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो ये नैन टेस्ट है, इस पर भी हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इनका जो नैन टेस्ट है इसको भी एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इनका जो नैन टेस्ट है वो भी यहाँ पे जो है वो ओके आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली करना है कि आपको गाइड जले जाना है सिंपली आपको यूज़र पार्ट के ऊपर, और गाइज इसके अंदर एक पार्टीशन को आपको इरेज करना होगा, ठीक है, जिसका जो नाम है गाइज वो MISCE करके है, ठीक है, MISCE, ठीक है। तो ये इस तरीके की पार्टीशन होती है, तो यहाँ पे मैं पहले एक बार खोज देता हूँ कि MISCE पार्टीशन होती है इसकी। तो उसको इरेज करने से इस तरीके की जो प्रॉब्लम है गाइज वो चली जाती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारा ये पार्टीशन है, यहाँ पे शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैं एक बार साइड में लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ गाइज, सॉरी ये MISCE कहाँ गया, तो सिंपली गाइज देखो यहाँ पे ये वाला पार्टीशन है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं आपको MISCE यहाँ पे ये पार्टीशन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे टिक कर देना है इसको। टिक करने के बाद गाइज ये जो है ना इसको सिंपली आपको इरेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है, MISCE को जो है सिंपली आपको इरेज कर देना। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ गाइज। तो गाइज यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो कि ये जो पार्टीशन है वो यहाँ पे इरेज हो गई है, देख सकते हो यहाँ पे ये पार्टीशन इसकी इरेज हो गई है। उसके बाद सिंपली एक बार आपको आइडेंटिफाई कर लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको आइडेंटिफाई करके एक बार देख लेता हूँ, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे देखो ये आइडेंटिफाई भी हो चुका है। अभी सिंपली गाइज आपको करना इसमें क्या है कि इसकी जो ISP पिन आउट है उसको आपको निकाल देना है, ठीक है, पहले फर्स्ट आपको यही करना है गाइज। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, यहाँ से मैं लाइट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी गाइज आपको करना है क्या कि इनका जो पार्टीशन आपने मतलब इनका जंपर किया है ISP, इसको आपको रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करने के बाद गाइज सिंपली आपको चेक करना होगा, तो मैं इनका जो ये ISP है मैं इसको रिमूव पहले फटाफट कर देता हूँ। तो गाइज मैंने इसकी ISP को हटा दिया है, और हटाने के बाद यहाँ पे मदरबोर्ड को हम यहाँ पे पैक करते हैं, और पैक करने के बाद इसको हम ऑन करके देख लेते हैं गाइज की जो पहले जो प्रॉब्लम आ रही थी हमारी वो हैंग उन लोगों की दिक्कत आ रही थी और अभी क्या होता है उसको एक बार हम यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक बार पहले सेट को हम ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेट हमारा यहाँ पे हो चुका है फिलहाल ऑन, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा वेट करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंपली गाइज आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो सेकेंड लोगो है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया है, और पहले जो इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी वो हैंग उन लोगों की दिक्कत आ रही थी, और जैसे मैंने इसका जो वो MISCE फाइल को जैसे मैंने इरेज किया तो इनकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ठीक हो गई है गाइज, ठीक है। तो गाइज अगर आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली अगर आपके पास UEFI बॉक्स है तो ये चीज़ पहले आप करके देख ले, नहीं तो आपको एक बार फ्लैश करना होगा सेट को, ठीक है। तो फ्लैश करके भी एक बार आप सेट को यहाँ पे देख सकते हो। देखो गाइज यहाँ पे सेट जो है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है, अभी आपको दिख रहा होगा, ये शायद मैं यहाँ से लाइट ऑफ कर देता हूँ। देखो गाइज यहाँ से जो है अभी सेट प्रॉपर ऑन हो चुका है। तो गाइज आपने देखा है बिल्कुल, मैंने आपके सामने बिल्कुल लाइव करके दिखाया गाइज इसके अंदर, ठीक है, कोई भी जो भी चीज़ें गाइज इसके अंदर हुई है बिल्कुल लाइव हुई है आपके सामने में, ठीक है। तो गाइज़ उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है फ्रेंड। बैटरी इनकी डाउन है, फ़ोन हमारा स्विच ऑफ हो चुका है गाइज़, ठीक है। तो फ्रेंड उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइज़। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। एक बार मैं बैटरी यहाँ से निकाल देता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर आपको फिर से ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर।
तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो सेट हमारा कंप्लीट ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं गाइस, ठीक है। तो फ्रेंड देखो इनकी बैटरी पूरी डाउन है, 1% इनकी बैटरी चार्ज है और इसी की वजह से जो डिवाइस है वो यहाँ पे ऑफ हो गया था गाइस, ठीक है। तो चलो फ्रेंड हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।